नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर M6 Sure Game के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण नड़ा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप ऑप्शन में एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन चेन में या फिर ऑप्शन की कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म एल्गो क्रैप को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से आपको सिंबल्स को लगाना होगा, क्या क्या सेटिंग्स करनी होंगी, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एल्गो क्रैप जो है वो हमारा एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जो कि एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमने ऐड किए हुए हैं, जैसे ज़ीरोधा, अलाइस ब्लू, एंजल एंड ट्रेड स्मार्ट, फायर्स, बहुत सारे और भी ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप अगर आपका अकाउंट है तो आप ट्रेडिंग कर सकते। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जाना और अपने आप को रजिस्टर करना, जिसमें आपको 6 दिन का ट्रायल मिलता है। 6 दिन के ट्रायल में आप उसको पूरा फुल्ली चेक कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है वो स्ट्रेटजी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म पे, जो कि है www.elgocrap.com, और वहाँ पर जाने के बाद आपको सीधे हाथ पे जो बटन दिखे हैं उन बटन में आपको एक साइनअप का और एक लॉगिन का बटन दिखेगा। अगर आप सबसे पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको साइनअप करना है, अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं हमारे या अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉगिन का बटन प्रेस करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, अपनी डिटेल्स डालता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अपनी डिटेल डाली, अपनी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर मेरे को खुल के आ गया ये प्लेटफॉर्म जो डैशबोर्ड है ये खुल के आ गया है। यहाँ पर आपको 8 अलग अलग स्ट्रेटजी दिख रही होंगी, जिनमें से कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेशन में आपका जो भी ब्रोकर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद वैलिड टोकन करके चेक कर लेंगे कि टोकन वैलिड है या नहीं है। ये प्रोसेस मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल पे बाकी के जो अवेलेबल वीडियोस है जिसमें हमने बताया कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है या कैसे चीज़ें करता है वो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं मेन प्रोसेस की, जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें किस तरीके से काम करना है, तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेडिंग का टैब आपको मिल जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के टैब में यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन स्ट्रेटजीज और ऑप्शन MT4 ब्रिज। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी का मतलब है कि जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जो हमारी 8 अलग अलग स्ट्रेटजी हैं, उनके साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन स्ट्रेटजीज पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन स्ट्रेटजीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये पेज यहाँ पर ओपन हो गया है, यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजीज एक्सपायर्ड बता रहे, जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी एक स्ट्रेटजी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करूँगा जिसका नाम है इंट्रामैक्स। अब मुझे मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, बैंक निफ्टी में ऑटोमेट करना है स्ट्रेटजी को, तो मैं क्या करूँगा, इंट्रामैक्स में सिलेक्ट सिंबल में बैंक निफ्टी लिखूँगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी आ जाएगा, आपको बैंक निफ्टी सर्च करके यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है दोस्तों डे का ऑप्शन। जो डे का ऑप्शन है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग का, तो चाहे आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो या आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, आपको डेट डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डेट डालना बहुत ज़रूरी है, जो भी एक्सपायरी की डेट होगी, जैसे अभी कल की एक्सपायरी है 28 की, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी है 25 नवंबर की, तो आपको 25 नवंबर का डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो तभी आपका ट्रेड होगा अगर आप एंजल ब्रोकिंग के मंथली ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अगर वीकली में करेंगे तो आपको सब में डेट डालनी पड़ेगी, जिस भी वीक की एक्सपायरी है उस वीक की डेट आपको यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो ये जो एंजल ब्रोकिंग का जो अकाउंट है, एंजल ब्रोकिंग में आपको डेट डालना मस्ट है। एंजल ब्रोकिंग के अलावा और आप ज़ीरोधा का अकाउंट ले लो, एलाइस ब्लू का अकाउंट ले लो, उनमें अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना है तो आपको डे की जरूरत नहीं है, डेट नहीं डालनी है। क्योंकि अगर आप उस वक्त डेट डाल देंगे, उसमें डेट डाल देंगे, तो आपका ट्रेड नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि 5-6 दिन में जो भी सिग्नल बने उन पर मेरा ट्रेड नहीं हुआ या कुछ एक भी ट्रेड नहीं आया, तो ये चीज़ आपको बहुत खास से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेट। ठीक है, डेट में मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा एंजल का अकाउंट था, मैं यहाँ पे 25 डेट यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर नवंबर मंथ यूज़ कर रहा हूँ, और ईयर में मैंने 21 डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी आपको कि आपको किस तरीके से सिंबल क्रिएट करना है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो डेट डालना मस्ट है। उसके अलावा कोई भी अकाउंट है उसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए आपको डेट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप आ गया। प्रोडक्ट टाइप में रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर टाइप में नॉर्मल, MIS और CNC। अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि CNC का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज में ट्रेड करने के लिए होता है। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए CNC को सिलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। MIS और नॉर्मल ही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड टाइप में मार्केट लिमिट और SLM है, तो जो भी आपको ऑर्डर टाइप यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग स्पेशली प्रेफर करते हैं कि आप मार्केट ही यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स जो होता है उसमें कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सिग्नल आया और हमने वो प्राइस डाल के, जो भी प्राइस था उस वक्त का, वो डाल के हमने ऑर्डर भेज दिया, तो कई बार ना वो ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है, ठीक है। मार्केट सडनली ऊपर आ गया या कुछ इशू हो गया तो वो ऑर्डर जो पेंडिंग रह जाता है और फिर वो ट्रेड नहीं होगा। और वो ट्रेड नहीं हुआ और उसके बाद मान लो टारगेट का ऑर्डर आ गया तो टारगेट का भी हमने वहाँ पर ऑर्डर भेज दिया और वो टारगेट का ट्रेड आपका लग गया तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमारी तरफ से ऑर्डर जब हम भेजते हैं तो हमें एक ऑर्डर आईडी मिलता है ब्रोकर की साइड से, और हमें ऑर्डर आईडी मिलता है उसका मतलब हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर हो गया, ठीक है। और अगर वो आपका पेंडिंग में रहेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ही यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिटी का ऑप्शन। क्वांटिटी में सीधा है दोस्तों, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एंजल है, LIS ब्लू है, जीरोधा है, जो भी है, आपको क्वांटिटी में अगर आप इक्विटीज़ कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी डालनी होगी 25, जैसे बैंक निफ्टी के लिए 75, निफ्टी के लिए 1500, SBI के लिए, यानी कि जो भी उनका लॉट का पूरा टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होता है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं जब मैं बैंक निफ्टी कर रहा हूँ तो यहाँ पर 25 यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, स्टॉप लॉस को ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट को आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट के लिए 3 अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर 0.5% का स्टॉप लॉस है और टारगेट के केसेस में आपको 0.5, 1% एंड 1.5% के ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद वो नीचे लिखा भी हुआ है, अगर आप जब कार्ड में जाएंगे तो नीचे आपको देखेंगे तो दिख जाएगा आपको वो चीज़ लिखी हुई। उसके अलावा सेव चेंजेस पे क्लिक करना है हमें। जैसे हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे कार्ड बन के आ जाएगा और वो कार्ड जो है वो हमें देखना है और उस कार्ड को हमें स्टार्ट करना है। ब्लू कलर का बटन आएगा उसमें, उसे हमें स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आपकी स्क्रीन पे जो ब्लू कलर का बटन आ गया वो स्टार्ट का बटन है, उस बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने से वो रेड हो जाएगा और अब यहाँ पर आपको ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई सिग्नल आएगा, कोई ट्रेड आएगी तो आपका ट्रेड प्रॉपरली ऑटोमेटिकली वो कर देगा बिना किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन के, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपको बताना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म काम करता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो पर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।